हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर स्टार्टिंग द न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 8, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। एंड इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट डिस्कवरी ऑफ सेल, ऑर्गेनिज्म शो वैरायटी इन सेल नंबर, शेप एंड साइज, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड पार्ट ऑफ द सेल। बिफोर वी गो फर्दर एंड स्टडी हाउ सेल वॉज डिस्कवर्ड, वी शुड नो द मीनिंग ऑफ द टर्म कॉर, विच वॉज यूज इन द डिस्कवरी ऑफ सेल। Cork is the part of the bark of a tree and is a dead plant material. Okay, so now start discovery of the cell. Cell discovered by an English scientist named Robert Hooke in 1665. Robert Hooke used a microscope to investigate the structure of a thin slice of cork. He observed that cork had a tiny compartment in it. These boxes appeared like a honeycomb. He also noticed that one box was separated from the other by a wall or a partition. Hooke coined the term cell for each box. So from this observation, Robert Hooke concluded that the cork is made of tiny cells, and the tiny plant cells of cork observed by Robert Hooke were found to be empty. Second topic, cell. Cell are the basic unit of life. All the living things, plants and animals are made from cell. यानी कि जो cell है वो life की क्या है, सबसे basic unit है। सारे के सारे जो living things है उसमें plants हो या animals हो, वो किससे बने हुए हैं, cell से बने हुए हैं। Cell are the building blocks of plants and animals. A baby, a tree and a bacterium look very different from one another, but they are all made up of tiny cell. यानी कि यहाँ पे आपको बताया जा रहा है जो सेल्स है वो क्या है, प्लांट और एनिमल के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करती है। वो बेबी है, ट्री है, बैक्टीरियम है, एक दूसरे से काफी ज्यादा क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, लेकिन सबके सब जो है वो किससे बने हुए हैं, सेल से ही बने हुए हैं। ठीक है, तो जो सेल है वो लाइफ की क्या है, एक बेसिक यूनिट है। जैसे एग्जाम्पल आपको दिया जाता है एक वॉल का, आपने देखा होगा किसी दीवार को अगर आप देखें तो वो क्या होती है, कई सारी ईंटों से मिलकर के बनी हुई होती है। लेकिन अगर आप उसमें देखें, उसके बेसिक यूनिट ढूंढे, तो आपको क्या दिखेगा, एक सिंगल सेल। यानी कि उसको बनाने के लिए क्या यूज की, सबसे पहले एक ईंट बन लगाई गई, उसके बाद दूसरी लगाई गई, और ऐसे ऐसे मिलकर के क्या हो गई, वो पूरी की पूरी वॉल बन गई। ठीक, तो सेम उसी तरीके से हमारी बॉडी भी किससे बनी हुई होती है, सेल से बनी हुई होती है, और ऐसे ही हमारी बॉडी मिलियंस एंड ट्रिलियन सेल से मिलकर के बनी हुई होती है। नेक्स्ट, ऑर्गेनिज्म शो वैरायटी इन सेल नंबर, यानी कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं, अलग अलग सेल नंबर को शो करते हैं। इसी के बेस पर यहाँ पे इसको कैटेगराइज किया गया है, टू कैटेगरी, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेल एंड बेस्ड ऑन न्यूक्लियस। सो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेल, ऑर्गेनिजम्स डिवाइड टू कैटेगरी, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यूनि मीन्स वन एंड सेलुलर मीन्स सेल। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर ऑर्गेनिजम्स दैट हैव वन सेल एंटायर बॉडी, यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी बॉडी जो है पूरी की पूरी बॉडी केवल एक ही सेल से बनी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, अमीबा, पैरामीशियम एंड यूग्लीना। सेकेंड, मल्टी सेलुलर। इन दिस टर्म मल्टी मीन्स मैनी एंड सेलुलर मीन्स सेल, यानी कि मल्टी का मतलब होता है बहुत सारी और सेलुलर का मतलब होता है सेल। सो मल्टी सेलुलर विच आर मेड अप ऑफ मिलियंस एंड ट्रिलियंस सेल, एग्जाम्पल फंगी, प्लांट्स, एनिमल्स एटसेट्रा। सेकेंड कैटेगरी, बेस्ड ऑन न्यूक्लियस। सो बेस्ड ऑन न्यूक्लियस, ऑर्गेनिजम्स डिवाइड इनटू टू कैटेगरी, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स, प्रो मीन्स प्रिमिटिव एंड कैरियोट्स मीन्स न्यूक्लियस। इट मीन्स प्रिमिटिव न्यूक्लियस, यानी कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें जो न्यूक्लियस होता है वो प्रिमिटिव होता है, एंड द सेल हैविंग अंडर न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर टर्म प्रोकैरियोट्स। यानी कि जो सेल है इसमें जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, जिसकी वजह से इसको प्रोकैरियोट्स कहा जाता है। एंड प्रोकैरियोट्स ऑलवेज यूनिसेलुलर, और जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। एग्जाम्पल बैक्टीरिया। प्रोकैरियोटिक सेल आर मोर प्रिमिटिव देन यूकैरियोटिक सेल एंड हैव अ सिंपल स्ट्रक्चर। द न्यूक्लियस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड। There is no nuclear membrane around the nuclear material in the prokaryotic cell. So the cell having nuclear material without the nuclear membrane around it are called prokaryotic cell, and the nuclear material in prokaryotic cell
इज द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द साइटोप्लाज्म। यानी कि अभी मैंने आपको बताया था कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, ठीक, और जिसकी वजह से न्यूक्लियर मटेरियल जो होता है वो साइटोप्लाज्म के डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में होता है। साइटोप्लाज्म मीन्स जेली लाइक मटेरियल। सो इनफैक्ट प्रोकैरियोटिक सेल नो रियल न्यूक्लियस। तो इसका मतलब है जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें रियल न्यूक्लियस नहीं होता है। एंड द ऑर्गेनिजम्स मेड ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। और वो ऑर्गेनिजम्स जो कि प्रोकैरियोटिक सेल से बने हुए होते हैं उनको हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं, एग्जाम्पल बैक्टीरिया। सेकेंड कैटेगरी यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स, यू मीन्स ट्यूब एंड कैरियोट्स मीन्स न्यूक्लियस। इट मीन्स इनमें क्या होता है, ट्यूब न्यूक्लियस होता है। सेल हैविंग वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर डिजाइनेटेड एज यूकैरियोटिक सेल। यानी कि ये जो सेल होती है इसमें जो न्यूक्लियस होता है वेल ऑर्गेनाइज होता है। इसमें न्यूक्लियस के बाहर क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। ये आपके यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे अमीबा और प्लांट्स एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया है। द सेल हैविंग न्यूक्लियर मटीरियल इनक्लोज्ड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल। अभी मैंने आपको बता दिया कि वो सेल जिसमें क्या होता है, न्यूक्लियर मटीरियल जो होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, उसको हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। एंड यूकैरियोटिक सेल हैव अ प्रॉपर वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। एंड न्यूक्लियर मटीरियल इन यूकैरियोटिक सेल नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद साइटोप्लाज्म, इट इज सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है तो डायरेक्टली साइटोप्लाज्म के कॉन्टेक्ट में नहीं होगा। और साइटोप्लाज्म से इसको सेपरेट करने का जो काम कर रहा है वो कौन कर रही है, यहाँ पे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक। अमीबा सेल इज अ यूकैरियोटिक सेल। यहाँ पर जो अमीबा सेल है वो यूकैरियोटिक सेल है। मैंने एग्जांपल भी बताया था कि जो अमीबा सेल है वो यूकैरियोटिक सेल है बिकॉज इट हैज प्रॉपर न्यूक्लियस बाउंड बाय अ न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। क्योंकि इसमें जो न्यूक्लियस होता है प्रॉपरली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से क्या होता है, बाउंड होता है। सो द ऑर्गेनिजम्स मेड ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स आर कॉल्ड यूकैरियोट्स। यानी कि वो ऑर्गेनिजम्स जो यूकैरियोटिक सेल्स से बने हुए होते हैं उनको हम यूकैरियोट्स कहते हैं। तो यूकैरियोट्स मैंने आपको बता दिया, ट्यूब न्यूक्लियस। ओके, लेट्स स्टार्ट। शेप ऑफ सेल। शेप ऑफ सेल, अमीबा हैज नो डेफिनेट शेप अनलाइक अदर ऑर्गेनिजम्स। शेप ऑफ सेल में अगर हम सबसे पहले अमीबा की बात करें तो आपको पता है कि अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है और यहाँ पर इसका जो शेप होता है वो क्या नहीं होता, डेफिनेट शेप नहीं होता है जैसे कि बाकी ऑर्गेनिजम्स का होता है। इट कीप ऑन चेंजिंग इट से, और ये लगातार अपना शेप को चेंज करता रहता है। द प्रोजेक्शन ऑफ वराइंग ग्लैंड प्रोटर्डिंग आउट ऑफ इट्स बॉडी दीज आर कॉल्ड सीडोपोडिया। इसकी बॉडी में आपको कई सारे प्रोजेक्शन दिखेंगे। प्रोजेक्शन मतलब उभार दिखते हैं जो अलग अलग लेंथ के होते हैं, सेम नहीं होते हैं, जिनको कि हम स्यूडोपोडिया कहते हैं। इसमें स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स और पोडिया का मतलब होता है फीट, जिनको कि हम इन प्रोजेक्शन को फॉल्स फीट भी कहा जाता है क्योंकि इसके जो ये प्रोजेक्शन है स्यूडोपोडिया है इसको मूवमेंट ऑफ फीट्स में खाना खाने में खाने को कैप्चर करने में हेल्प करते हैं। एंड दीज प्रोजेक्शन अपीयर एंड डिसअपीयर एज अमीबा मूव्स और फीट। और जैसे जैसे ये प्रोजेक्शन जो है अमीबा मूव करता है या फीड करता है उसके दौरान ये प्रोजेक्शन अपीयर होते हैं और डिसअपीयर भी होते रहते हैं। जनरली सेल्स आर राउंड स्फेरिकल और इलोंगेटेड। सम सेल्स आर लॉन्ग एंड पॉइंटेड एट बोथ एंड्स, दे एक्सिबिट अ स्पिंडल शेप। जनरली जो सेल का स्ट्रक्चर होता है वो राउंड होता है, स्फेरिकल होता है, इलोंगेटेड स्ट्रक्चर हो सकता है। और कुछ सेल जो होती हैं वो लॉन्ग होती हैं, लंबी होती हैं, और कुछ होती हैं जो किनारों से क्या होती है, पॉइंटेड होती हैं, यानी कि नुकीली होती हैं। सेल सम टाइम आर क्वाइट लॉन्ग, सम आर ब्रांच्ड लाइक अ नर्व सेल और न्यूरॉन। नर्व सेल इज अ लॉन्ग एंड ब्रांच हैविंग अ थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन वेयर एज मसल्स इज पॉइंटेड एट बोथ एंड्स एंड स्पिंडल शेप। मैंने अभी आपको बताया था कि जो मसल सेल्स होती हैं वो स्पिंडल शेप की होती हैं और इसके जो एंड्स होते हैं किनारे जो होते हैं वो पॉइंटेड होते हैं। और जो यहाँ पे आपको नर्व सेल दिखाई दे रही है वो क्या है, लंबी होती है और ब्रांच स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि जो सेल का स्ट्रक्चर होता है वो उसके फंक्शन से भी रिलेट करता है, ठीक है। डिफरेंट शेप ऑफ द सेल आर रिलेटेड टू दियर फंक्शन विच दे हैव टू परफॉर्म बॉडी ऑफ एन एनिमल। यानी कि एनिमल की बॉडी में जो सेल है उसका काम क्या है, उसके फंक्शन पर उसका जो शेप होता है वो डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे नर्व सेल की बात करें, नर्व सेल रिसीव एंड ट्रांसफर मैसेजेस बिटवीन ब्रेन टू अदर बॉडी पार्ट्स, वेयर एज मसल सेल्स ब्रिंग
about movement in the body. So nerve cell and muscle cells are actually specialized animal cells because they perform specific function in the bodies of animals. Okay student, so enough for today. Next topic we will discuss in next other video. Thank you.